हेलो गाइस, आप सभी को टाइटल देख के पता चल गया होगा कि मैं आज सोलो राइड पे निकला हूँ कुनकुरी टू जसपुर। यहाँ देखिए, ये जसपुर के लिए रास्ता है जो कि यहाँ से नया रोड स्टार्ट होता है, ये देखिए, और इधर कुनकुरी पुराने रास्ते की ओर। तो अपन आज सोलो राइड कर रहे हैं जसपुर के लिए, और जसपुर के बीच में आप सभी को जितने भी अच्छे अच्छे लोकेशन हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग के माध्यम से। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आप लोग भी एंजॉय कर सके इस राइड को। तो अपन अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे का नज़ारा का मज़ा लेते हैं, और अपने साथ जो जा रही है अपनी जो इस सफ़र की जो साथी है वो देख सकते हैं, ये अपने साथ फैशन है, फैशन प्रो। चलिए दोस्तों, अपन इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अंत तक बने रहिएगा अपने ब्लॉग में ताकि आप सब इस सफ़र का मेरे साथ मज़ा ले सकें। चलिए दोस्तों, आज का राइड अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। अभी जस्ट मैंने इस पेट्रोल पंप से 150 रुपये का पेट्रोल डलाया है इस बाइक पे। तो अभी अपन जसपुर की तरफ निकलेंगे, और ये है कुनकुरी वाला रास्ता देख रहे हैं जो, और इधर अपन जसपुर निकलेंगे, जसपुर रोड है। दोस्तों, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस सफ़र का मज़ा ले सकें। तो चलिए चलते हैं जसपुर की ओर। जसपुर के लिए निकल गए हैं, देखते हैं रास्ते में आपको कौन कौन सा नज़ारा दिखा पाएंगे। तो अपने साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। ऐसे ही मंदेश्वर पर्वत बोलते हैं दोस्तों, आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। ये कुनकुरी रोड है, ये जसपुर रोड। हाय दोस्तों, माई सेल्फ पंकज, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, मौसम बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा आप सभी को इसका नज़ारा दिखा सकूं। तो होप यू गाइस इंजॉइंग दिस वीडियो, और अंत तक बने रहिए मेरे। खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये अपनी धरती, मेरा होम टाउन कुनकुरी है।
आप सब देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत जगह है ये। पीछे जो पहाड़ दिख रहा है दोस्तों वो है मंदेश्वर पर्वत। अपन उसको अगली जब भी अपने को टाइम मिले जिस भी ब्लॉग में उस ब्लॉग में अपन उस पहाड़ी को ट्रैक करेंगे। आज तो दोस्तों अपन सोलो राइड पे निकले हुए हैं कुनकुरी टू जसपुर। ज़्यादा बड़ा राइड नहीं है, इट्स अराउंड 40 किलोमीटर्स गोइंग एंड कमिंग बैक 40 किलोमीटर्स। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 80 किलोमीटर का आज का सफ़र रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आए, और पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड ब्लॉग्स इन अपकमिंग टाइम फॉर यू गाइस। ये अपना सफर का साथी है दोस्तों, हीरो हीरो पे बैठता है हीरो। एक्चुअल में ये है पैशन प्रो जो कि मेरी फ्रेंड की है। एक्चुअल में मेरा बाइक तो दोस्तों बिलासपुर पे ही है, वहाँ से मैंने लेके नहीं आया है अभी, और अचानक से काम पड़ा, जयपुर जाने को था, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के हैं, इसलिए मैं अभी सोलो राइड कर रहा हूँ जयपुर के लिए। और आगे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, तभी अपन दोस्तों यहाँ एक शॉट ले चुके हैं, अभी अपन वापस से तैयार हो रहे हैं क्योंकि अपन को जाना है जसपुर। तो अपन इसको डालते हैं फिर पॉकेट में, एंड कोरोना से बचना है दोस्तों तो मास्क बहुत जरूरी है, तो अपना ख्याल खुद रखिए ताकि आप दूसरों का भी ख्याल रख सकें। आपके भी घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो सबका ख्याल रखिए दोस्तों। तो अपन चल रहे हैं अभी जसपुर, जसपुर का काम निपटाते हैं दोस्तों, उसके बाद आप सभी को एक बेहतरीन राइड पे खूबसूरत जगह लेके जाएंगे दोस्तों। ये तो बंद नहीं रहा दोस्तों, अपने को क्या करना है, अपने को करना है ऐसे करने का है, ऐसे करने का है, ऐसे करने का है, ऐसे करके बांध लेंगे। कभी भी राइड करते हैं दोस्तों तो अपने साथ हेलमेट जरूर रखिए। एक्चुअल में मेरा हेलमेट तो छूट गया है बिलासपुर में छूट गया दोस्तों। अभी अपन तैयार हो गए हैं, अभी अपन निकलेंगे जसपुर की ओर। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, फर्स्ट टाइम, पहला एक्सपीरियंस है, यूज्ड टू होने में टाइम लगेगा, ब्लॉगिंग करने में टाइम लगेगा, और सारा मेहनत दोस्तों सब आपके लिए और आपके प्यार के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप भी, एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ मैं, जगह का नाम है कुनकुरी और जसपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है कुनकुरी। लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बोल सकते हैं आप, उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। एक प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रयास करें।
का खेती किया गया है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, सभी देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा जो टंगी का खेती लगा हुआ है। नज़ारा ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग देख सकते हैं आधा रोड बनने का है, बन गया है, बट इस साइड का जो रोड है वह अभी तक नहीं बना है। ये आपको पूरा फुल मज़ा देता है राइडिंग का, आप देख सकते हो। अरे धीरे करने का रे बाबा, धीरे से चलने का, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प ऑफ राइडिंग का मज़ा ले रहा हूँ मैं अभी। पत्थर से बचने का रे बाबा, धूम 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 धूम, बहुत सारा धूम है। देख लो भाई, अभी ये रोड बन के तैयार नहीं हुआ है, जब हो जाएगा ना तो बिलीव नहीं होगा, आज भी 50 मिनट लगे मेरे बाबा। तुमको भी तो जबकू ये देख सकते हो ऐसा है अभी नज़ारा, धूल ही धूल, इतना धूल उड़ेगा तो अपने कैमरे का क्या हो जाएगा बाबा, दिक्कत हो जाएगा ना, दिक्कत तो हो जाएगा बाबा। अभी अपने को पूछने का पड़ेगा इससे, उसको अपन पहुँचते हैं, उसके बाद उसको पूछते हैं। सफर तो करना है ना, जब अपन अकेले निकलते हैं सफर से तो अपन ऐसे ही बकर करते हैं, क्वालिटी वाला नहीं है पता है मुझे, बट कुछ तो है ना। देखो अपन अभी जो गाड़ी है चढ़ने का नहीं ले रहे थे काम, धीरे 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 चढ़ रहा है, अपन इसको ओवरटेक करते हैं, निकलते हैं अपन इसके आगे। गाड़ी निकल रहा है देखो, बहुत धूल उड़ा रहा है भाई, इतना धूल उड़ा रहा है कि अपन क्या बोले। बाकी ऑफ राइडिंग का मज़ा तो आ रहा है अपने को, अपन यहाँ थोड़ा रुकेंगे, रुक के अपन जो मंदिर बन रहा है उसको अपन लेते हैं कपड़े में। तो भाई अपन यहाँ पहुँचे हैं अभी, आप लोग देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है, ठीक है। अपन अभी यहाँ पहुँच गए, अपन है लोरो में, अपन सोच रहे हैं कि इस मंदिर को एक्सप्लोर किया जाए, तो क्या बोलता है दोस्तों, एक्सप्लोर करें, करते हैं एक्सप्लोर, ठीक है। बहुत धूल हो गया है भाई, देख सकते हो यहाँ का व्यू, वो निच्चू का रोड है, रोड ठीक समझा आप लोगों, सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है दोस्तों। एक्चुअल में ये अपन जहाँ खड़े हैं ये लोरो घाट का मंदिर है, अगर आप जसपुर के रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा कि लोरो घाट कहाँ पड़ता है। एग्जैक्ट ये पड़ता है जसपुर से पहले, जसपुर पहुँचने से पहले आपको ये जो हर्डल है लोरो घाट का, अभी तो रोड बन रहा है इसलिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा रोड बनने के बाद, लेकिन दोस्तों जब ये रोड नहीं बना था तो बहुत दिक्कत हुआ करता था, अब ये रोड बन गया है। और इसके साथ ही साथ ये जो पीछे जो मंदिर था देख रहे हैं, ये मंदिर अब इधर शिफ्ट होने का है, तो अपन आपको दिखाएंगे जो मंदिर, आप सब देख सकते हैं ये मंदिर बन रहा है लोरो घाट के जस्ट ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, शिव भगवान का मंदिर है। अगर आप सभी
लोग जसपुर के निवासी हैं या बाहर के हैं, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, ये यहाँ बन रहा है जस्ट जो पुराना मंदिर था उसके जस्ट सामने ही बन रहा है ये मंदिर, आप सब देख सकते हैं। बहुत ही भव्य तरीके से बन रहा है दोस्तों, ये इसका गुंबद है। अब जब बन के तैयार होगा तभी अपने को पता चलेगा। बहुत ही सही जगह पे दोस्तों, आप नज़ारा देख सकते हैं उधर, इधर ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ, आज भी इधर जंगल बचे हुए हैं दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, ये शायद एंट्रेंस होगा, नंदी महाराज बन रहे हैं यहाँ पे, नंदी महाराज बन रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही है दोस्तों, मे भी ये वाला रास्ता हो सकता है। बहुत ही शानदार जगह में ये शिव मंदिर बन रहा है, ये यहाँ का एंट्रेंस होगा, यहाँ ऐसा आप सब देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। चलिए अभी अपन पूछते हैं, भैया से मिलते हैं। अभी अपन पहुंच गए हैं दोस्तों, कॉल भी आ रहा है, देखते हैं किसका कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ पहुंच गया हूँ, भीड़ है। चलो ठीक है फिर, हाँ चलो ठीक है, बाय। मम्मी का कॉल था, पूछ रही थी पहुँचे कि नहीं। अपन अभी जाना है काम से, काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए
थैंक यू। मंदिर कितना टाइम हो गया स्टार्ट में बनना? एक साल होने वाला है। एक साल होने वाला है, अच्छा। और कितना टाइम लग जाएगा, कब तक मतलब तैयार होगा? अभी तो 2020 चल रहा है, कब तक तैयार हो पाएगा ये पूरा बन के? लगभग लगभग 3-4 साल लगेगा कि उससे पहले हो जाएगा? लग सकता है उतना। आप यहीं के हो, लोकल? लोकल है। अच्छा, और कोरोना का क्या हाल चाल है इधर जसपुर में? ठीक ही है, ज़्यादा फैला नहीं है। अच्छा, वही है। तो रात में भी काम चलता है कि बस दिन ही में? दिन ही को बस। अच्छा, जंगली जानवर का इधर खतरा नहीं है ना आज के डेट में? ख़त्म हो गया सब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया बात करने के लिए। तो अपन अभी भैया से पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट, उनको भी नहीं पता है कितना टाइम लगेगा बन के तैयार होने में। तो आप लोग नज़ारा का मज़ा लीजिए दोस्तों। बाकी अपन आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आप सभी इसे पसंद करेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आप सभी को मिल पाए।